Hello everybody, welcome to the DevTrackCard channel. Today we have Dheeraj Maurya with us from IIT Roorkee, and he is currently studying there pursuing the BTech course. In this video, we are going to talk a lot about his experience and how he can help others understand about the daily preparation, how the life is at IIT Roorkee, and other aspects of your preparation and your college life. So Dheeraj will share his experiences with us today. Along with that, Dheeraj is also having his own YouTube channel, for which you can also find the link in the description below and his Instagram ID. Just in case if you wish to connect with him, you can reach out to him after this video. So he'll be helpful. And in this video, we are not just going to talk about the preparation about IIT, and not just for Indian students, but we are also going to highlight about a little bit about the NRIA. Also, and Dheeraj will have some insight over it, and he'll be able to share it with us. So, okay, without further ado, we'll start. So, welcome to the DevTrackCard channel, Dheeraj. Thanks a lot, sir. Thanks a lot. How's your daily vlogging going on the IIT? Sir, it's going absolutely perfect, sir. It's been 6 months. I am doing daily vlogs, or काफी अच्छा चल रहा है. Currently, काफी अच्छा चल रहा है. Okay. तो धीरज आप भी ब्लॉग्स वगैरह क्रिएट कर रहे हैं या जो भी इंफॉर्मेटिव सेशंस आप अभी बना रहे हैं आईआईटी के ऊपर? यस सर, यस सर. इट्स ऑल अबाउट आईआईटी जी प्रिपरेशन अराउंड आईआईटी और इट्स अबाउट सम अदर एस्पेक्ट आल्सो. जस्ट गिव अस अ ब्रीफ अबाउट इट. ओके ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इंट्रोड्यूसिंग माय सेल्फ. सो हेलो हेलो एवरीवन, आई एम धीरज मौर्य फ्रॉम आईआईटी रुड़की थर्ड ईयर, एंड करेंटली आई एम इनटू कंटेंट क्रिएशन. आई एम डूइंग यूट्यूब आल्सो. आई एम एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम. तो मैंने ये ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया था 13 नवंबर को, और अभी 6 महीने हुए हैं. और करेंटली मतलब नॉट ओनली ब्लॉग्स, मैं इसमें बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप भी प्रोवाइड करता हूँ फॉर जेईई एस्पिरेंट्स जो हमारे हैं उन लोग को. मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्पलेस रहते हैं वो लोग, तो उन्हें भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप प्रोवाइड करता हूँ. अब काफ़ी लोग पूछते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों करते हो, तो इट्स जस्ट के हम भी मैं भी जब एस्पिरेंट था तो मैंने भी काफी लोगों से हेल्प मांगी थी कि कोई मेरी हेल्प कर सके, कोई मतलब कोई सीनियर, कोई आईआईटीएन, कोई सीनियर से अपन जब पूछते हैं जो आईआईटी में है तो हम लोग को थोड़ा ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ वो है, तो उनकी बात ज्यादा मतलब सही लगती है. तो मैं भी ऐसे पूछता था पर मुझे इतना मतलब नहीं मिलते थे रिस्पॉन्स, तो इसलिए फिर मैंने अपने मेंटरशिप भी चालू करी थी. इनिशियल इट वॉज अ ब्लॉग चैनल, बट बीच में जो मेरी व्यूअरशिप थी वो मोस्टली जेएस फ्रेंड्स थे, तो उनके लिए फिर मैंने मेंटरशिप भी चालू कर दी थी. सो बेसिकली यू आर गिविंग इट बैक टू द सोसाइटी. व्हाट सर? आई एम सेइंग टू बेसिक बेसिकली यू आर गिविंग इट बैक टू द सोसाइटी व्हाटएवर यू हैव लर्न्ड सो फार. या एक्जेक्टली सर. तो यू नो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस आपके पास अभी जनरली आते हैं, फॉर एग्जांपल आईटी जेईई से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आपके पास ज्यादा आते हैं, मतलब फ्यू ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस दैट यू कम अक्रॉस? ओके, सो मोस्टली तो प्रिपरेशन के हिसाब से आते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है बच्चों पर, उनकी 11th क्लास वेस्ट हो जाती है. तो प्रिपरेशन के टाइप से ज़्यादा आते हैं कि मतलब अगर मेरी 11th वेस्ट हो गई तो मैं 12th में कैसे टैकल करूँ, या और भी मतलब ऐसी भी चीज़ें आती हैं कि मतलब एक्सपीरियंस होता है काफ़ी ज़्यादा. कैसे मैं ब्लॉग करता हूँ ना, तो डेली ब्लॉग्स मैं कॉलेज में रहता हूँ तब करता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं कि भैया ये भी दिखाओ वो भी दिखाओ. और भी कुछ चीजें हैं लाइक मेरी जर्नी पूछते हैं काफी ज्यादा कि मेरी जर्नी के टाइम पे मैंने क्या गलती करी थी, अगर मैं अपना सुधारना चाहूँ तो वो क्या कर सकता हूँ. तो ये सब क्वेश्चंस काफी ज्यादा रहते हैं. तो कंसीडरिंग जैसे धीरज आप ही से स्टार्ट करते हैं, आप ही को एज अ यूज केस बनाते हैं एटलीस्ट हमारी ऑडियंस को समझाने के लिए. तो फॉर एग्जांपल अगर आप ही का यूज केस पिकअप करें तो क्या मतलब आप शुरू से ही क्या मतलब स्टूडियस टाइप के स्टूडेंट रहे या आप एवरेज टाइप के स्टूडेंट थे जो कि फाइनली 12th क्लास में आके प्रिपरेशन स्टार्ट करी किसी ने? यस सर, यस सर, यस सर. तो एक्चुअली यस सर, सो एक्चुअली मैं इनिशियल फेज में तो मतलब पहले तो मैं बहुत बैक बेंचर था. लाइक मैं कब मुझे कभी लगता नहीं था आईआईटीएन मैं कभी बन पाऊंगा डेफिनेटली, बिकॉज मतलब बहुत ज़्यादा इनिशियल फेज में अगर हम जाएं तो 6th 7th 8th के टाइम पे जब मतलब बच्चे के मन में आता है कि इंजीनियरिंग आईआईटी डॉक्टर बनना है, तो हम लोग 16-17 साल के होते हैं, तो उस टाइम पर मतलब मैंने स्कोर किया था अपनी 8th में 57%, और मतलब बहुत बिलो तो एवरेज था वो. तो वही था कि फिर लगता नहीं था कि मतलब हम लोग कभी बन पाएंगे क्योंकि वी आर बिलो एवरेज. और फिर सर 9th में आए, फिर मतलब पढ़ाई थोड़ा चालू करी, हम लोग को पता लगा कि नहीं भाई पढ़ाई भी करनी है. तो उसके बाद
नाइन्थ में, फिर 10th में एक अच्छा स्कोर आया, डिसेंट स्कोर आया काफी, 90% से ऊपर आया, फिर एक कॉन्फिडेंस आता है कि चलो कर सकते हैं। फिर 11th में भी ऐसा हुआ कि मतलब इनिशियली तो कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे, पर फिर बाद में कम बैक करा था। फिर बाद में फिर 12th में विदाउट कोचिंग था, और मैं विदाउट कोचिंग था तो सेल्फ स्टडी से गया था। ओके ग्रेट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास, जैसे वी आर इनटू एनआरआई इज प्रिपरेशन, ओके, हम यस इंडिपेंडेंट सर, यस सर, वर्ल्ड वाइड हम उनको प्रिपेयर कराते हैं फॉर जेईई, फॉर नीट, फॉर सैट एंड फॉर आईबी। अब हमारे पास सर, पे ऑलमोस्ट डेली नॉट लेस वी गेट अराउंड 500+ क्वेश्चन ऑन आवर वेबसाइट, टू व्हिच यस सर, ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज मच एज वी कैन, क्योंकि बहुत सारे यस क्वेश्चन सर, हम भी आंसर किए होते हैं इन वीडियो फॉर्म, हाँ हाँ तो हम उनको वो लिंक दे देते हैं कि भाई आप उसपे जाके देख सकते हैं। तो उन्हीं में से कुछ के मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, तो आई थिंक ये स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी हेल्पफुल हो पाएगी सिंस यू आर इंप्लीमेंटिंग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जब हम लोग कभी बाहर भी ट्रैवल करते हैं, और हमारे पेरेंट्स का पर्टिकुलरली और स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, फॉर एग्जाम्पल, कि उन लोगों को 10th और 11th तक आते आते तो ये क्लैरिटी होती ही नहीं है कि भाई हमें इंजीनियरिंग में जाना है कि मेडिकल में जाना है। बड़ा कॉमन क्वेश्चन, ये पीसीएम लेना है, पीसीबी लेना है। पीसी बिल्कुल 80% केसेस में हम लोग ये देखते हैं कि 11th क्लास में बच्चों का एटलीस्ट 90% जो बच्चे हैं 11th क्लास में वो प्रिपेयर प्रिपरेशन के मोड में होते ही नहीं है, वो सिर्फ इस मोड में होते हैं कि हमें प्रिपेयर करना किसके लिए। जहाँ पे इंडिया में जो ट्रेंड चलता है एज फार एज वी कंसिडर इंडिया, तो इंडिया इज अ कॉम्पिटेटिव मार्केट है ना, और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि अगर हम क्रैक नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे ज्यादा, तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में रहते हैं, तो वो प्रिपरेशन के लिए एकदम तैयार रहते हैं। तो एनआरआई स्टूडेंट्स के साथ एक ये चैलेंज हो जाता है कि क्योंकि उनके पास एक तो रिसोर्सेज कम है, वो कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट नहीं है, उनके लिए क्या बिल्कुल एडवाइस होंगे आपके लिए? क्योंकि देखिए होता ही है कि 10th 11th में वो लोग प्रिपरेशन का तो पॉइंट ही नहीं होता उनके लिए, वो सिर्फ प्लानिंग फेज में होते हैं। 12th कहीं आकर के वो लोग प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तो क्या 12th में आकर के प्रिपेयर करना आपको लगता है सही डिसीजन है, या उनको थोड़ा सा 10th 11th में भी इस चीज पर ध्यान दे देना चाहिए? सो जैसा कि आप सभी को पता है कि एनआरआई का आईआईटीज में कोई ऐसा कोटा नहीं होता है कि एनआरआई कोटा लगता है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आपको लेट पता लग रहा है तो आप कर नहीं सकते हो, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि अगर लेट पता लग रहा है कि आप कर नहीं सकते हो, आप डिमोटिवेट हो जाओ, मुझे तो पहले स्टार्ट करना था, ऐसा नहीं होता है। करने वाले कर लेते हैं, पर फिर भी अगर मतलब फॉर लाइक अगर बेटरमेंट के लिए यही होता है कि आपको पहले आप स्टार्ट कर दो, अर्ली स्टार्टर इज ऑलवेज अ गुड स्टार्ट होता है। अगर तुम पहले चालू कर दोगे डेफिनेटली आप काफी ज्यादा लोगों से आगे हो, क्योंकि इट्स अ कंपटीशन। यहाँ पर आप जितने घंटे कहीं ना कहीं कहीं और दे रहे हो या वेस्ट कर रहे हो, उन घंटों को कोई ना कोई यूटिलाइज कर रहा है। तो अपन को उस चीज को देखना पड़ेगा कि अगर जैसे हम लोग पहले स्टार्ट कर लेंगे तो डेफिनेटली एक चीज रहेगी, हम लोग काफी ज्यादा लोगों से आगे हैं। तो अगर हो सके, वैसे जेई की सही प्रिपरेशन 11th से ही स्टार्ट होती है, और 11th से ही हम लोग कोचिंग वगैरह में जाते हैं। इंडिया में तो लाइक ऐसा है कि काफी ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जेई के, तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं। तो अगर एनआरआई में आप जैसे आप लोग ऑनलाइन स्टडीज भी काफी आजकल चल रहा है, तो बस ऑनलाइन भी आप कर सकते हो, ऐसा तो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। बट आई वुड सजेस्ट 11th से सही प्रिपेयर होती है, और 11th 12th का ही पूरा हम लोग का सिलेबस रहता है, तो 11th को 11th के टाइम पर, क्योंकि फिर वो 12th में काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, कवर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है 12th में, 11th और 12th को साथ में लेके चलना वो ओके हेक्टिक है फिर, वरना या तो फिर आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा। ठीक है, राइट राइट राइट। इसका ना बड़ा एक एनालिटिकल आंसर हम लोगों ने भी डिवाइस किया था, जो कि मुझे लगता है कि एनआरआई के केस में बहुत ज्यादा फिट बैठता है, वो ये था। हम लोगों ने क्या प्लान किया था, जो हम लोग क्योंकि हम इसको बहुत सालों से कर रहे हैं, तो बेसिकली आपकी 11th एंड 12th के जब आप पूरे चैप्टर्स को सम अप करते हैं तो कहीं ना कहीं ये निकल के आता है कि आपको रफली, अगर आप 11th क्लास में अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं एक जेई की एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एक जो मिनिमम एप्टीट्यूड की जरूरत होती है, हम यस किसी यस भी सब्जेक्ट को अगर ले लें, मान लीजिए मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री है और फिजिक्स है, तो मिनिमम अगर आपको एक एप्टीट्यूड आईआईटी जेई के लिए बिल्ड करना है प्रिपरेशन के लिए, तो आपको कम से कम 6,000 क्वेश्चन+ आपको कम से कम प्रैक्टिस किए होने चाहिए, 6 to 7 क्वेश्चन सॉल्व किए होने चाहिए। अब ये यस सर, 7,000 अभी काफी जो ऑडियंस देख रही होगी सोचेगी यार बच्चे डरेंगे कि यार 7,000 क्वेश्चन 8,000 क्वेश्चन कैसे कोई कर लेगा। पॉइंट यहाँ पर मैं सबको, बच्चों को भी ये बताना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स को भी बताना चाहता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट 8,000 क्वेश्चन, डूइंग 8,000 क्वेश्चन विद अ वन गो, इट इज अबाउट द यस प्रोसेस दैट यू फॉलो एवरी डे। तो एवरी डे कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, सो इफ यू डू 10 क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स पर डे, ओके,
विच मीन्स आप 300 क्वेश्चंस करेंगे पर मंथ। इसका मतलब है आप अराउंड 4000 क्वेश्चंस कर लेंगे एक साल में। इसका मतलब है 2 साल में आप अप्रोक्सीमेटली 1000 क्वेश्चंस कर लेंगे। तो अगर आपके पास मिनिमम एप्टीट्यूड, अगर आप अपना प्रैक्टिस कर करके वो बिल्डअप नहीं कर रहे हैं, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि बस हम 12th में पहुंचेंगे तब हम उसी को करेंगे, तो वहां पे एक ड्यूअल प्रेशर क्रिएट होता है स्टूडेंट्स के ऊपर। ड्यूअल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ कि देखिए 12th एक बोर्ड एग्जामिनेशन है, आपको बोर्ड का भी प्रेशर है। तो 12th में आपका अकेडमिक सेशन होता कितने में होता है? अकेडमिक सेशन मुझे और जहां मुझे आपको लगे कि यू नीड टू करेक्ट मी यू कैन डू दैट, ठीक है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये था कि 12th एक बोर्ड एग्जामिनेशन है, पूरा अकेडमिक सेशन ही 8 महीने का होता है। एक मंथ का होता है, उसमें भी समर वेकेशन है। अब कई एनआरएस स्टूडेंट्स हैं जो कि समर वेकेशन पे भी हो जाएंगे, तो ले देखिए आपके पास बच्चे 6 से 7 महीने जिसमें आपको जेई की प्रिपरेशन भी करनी है और आपके बोर्ड की प्रिपरेशन भी करनी है। Exactly. छोटे से ड्यूरेशन में 6 महीने के 7 महीने की ड्यूरेशन में हाउ विल यू जस्टिफाई डूइंग 8000 क्वेश्चंस फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट? ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, राइट? तो और यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक सब्जेक्ट की। अगर आप और आपको जब जेई का पेपर देना है तो आपको फिजिक्स का भी पेपर में एक्सेल करना है, केमिस्ट्री में भी करना है, मैथमेटिक्स में भी करना है। इसका मतलब है जो भी स्टूडेंट whosoever is watching this video right now, particularly from Middle East, Southeast Asia or US planning to write JEE in coming few years, what you need to know now, if you are in grade 11th as of now, what you need to do is you have to practice at least minimum to minimum 30 questions per day minimum. I'm saying that lesser would do, but if you really wanted to be into IIT, you just need to do 30 questions a day. 30 questions. 10 for mathematics and 10 for physics. If you do 30 questions per day, by the end of your 12th grade, you would have practiced almost 15 to 16,000 questions. 5,000 का एक एवरेज ले रहे हैं पर सब्जेक्ट का। अगर आप 10-15,000 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लेते हैं तो मुझे फिर बोलने की जरूरत नहीं होगी कि अगर आपका सिलेक्शन आईटी में नहीं होगा तो फिर किसका होगा, राइट? तो दैट इज अबाउट कंसिस्टेंसी। तो ये कि आप जनरली हम स्टूडेंट्स को भी देते हैं। सो डू यू थिंक इट इज अ वाइज स्टेप? डू यू एग्री विद दिस द स्ट्रेटजी और इज एन ऐड ऑन टू इट दैट वुड हेल्प टू ऐड? Yes sir, I totally agree with your point. मतलब ऐसा ये जो consistency है यही जरूरी है। हम लोग जैसे 10 question वाली बात होती है, तो 10 question अगर आप डेली करो हर एक सब्जेक्ट का, तो वो एक जो थोड़े 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 से वो बहुत ज्यादा एट लास्ट पूरे ईयर में बहुत ज्यादा बन जाएगा। right. तो वो चीज एकदम परफेक्ट है कि आप धीरे 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 छोटे छोटे स्टेप रहते हैं जो हम लोग को बहुत ज्यादा एक्सेल करते हैं उस चीज में। तो डेफिनेटली आई एग्री विद योर पॉइंट, और डेफिनेटली यही एक मतलब मंत्र है, यही एक टेक्निक है जो कि एक हर एस्पिरेंट को यूज करना चाहिए। मेबी जो पेरेंट्स होंगे वो शायद इसी को समझ पाएंगे, लेकिन अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें, फाइनेंशियल मार्केट की भी बात करें, तो आप आजकल इंडिया में ट्रेंड है SIP का, तो आप इकट्ठे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आप छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, पर एग्जैक्टली आप बड़ा प्रोसेस बनाते हैं आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट ये समझना पड़ेगा कि योर प्रिपरेशन इज योर SIP फॉर योर एडमिशन टू IIT। एग्जैक्टली। तो होता क्या है, जैसे शुरुआत में हम लोग 11th में आते हैं ना, तो हम लोग को लगता है कि बहुत ज्यादा सिलेबस है, इतना ज्यादा सिलेबस कैसे कवर होगा, क्या होगा, इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग बुक में देखते हैं, तो वही काफी ज्यादा बच्चे डर जाते हैं उस चीज को लेके कि इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है, हमसे क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं, बहुत सारी ऐसी भी चीजें आती हैं, क्वेश्चन नहीं लगते हम लोग से, नंबर नहीं आ रहे होते हैं। पर उसमें वही चीज ना, अगर वही चीज आपने जो बोली है कि कंसिस्टेंसी, वो डेली के जो एफर्ट्स रहेंगे 10 question 15 question यही जो आप लगाएंगे अपन लोग, तो वो एट लास्ट में वो बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो बट सही